हिमाचल के शक्तिपीठों में 35,000 श्रद्धालु ने नवाया शीश। लाहौल में 86 दिनों के बाद 2 कोरोना पॉजिटिव मामले। आईजीएमसी शिमला से चंडीगढ़ एम्बुलेंस सेवा शुरू। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में बुधवार से चैत्र नवरात्र मेला शुरू हो गया है। प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में करीब 35,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। पहले नवरात्र पर ज्वालामुखी मंदिर में 10,000, श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में 4,000 और ब्रजेश्वरी धाम कांगड़ा में 7,000 श्रद्धालुओं ने माता के दर पर शीश नवाया। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में 86 दिनों के बाद बुधवार को 2 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिसुमेक क्षेत्र की एक महिला और ठोरंग स्वास्थ्य केंद्र में एक व्यक्ति की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों संक्रमितों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला शमी शर्मा ने बताया कि सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज लिमिटेड RTA झबोला बिलासपुर की ओर से पुरुष उम्मीदवारों के लिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड के 150 पद भरने के लिए उपरोजगार कार्यालय देहरा में 27 मार्च को साक्षात्कार लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के लिए होमवर्क लगभग पूरा कर लिया है। 31 मार्च को UGC के दिशा निर्देशों के अनुरूप UG डिग्री कोर्स का पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। हिमाचल के ऊना स्थित घालवाल के रुद्रानंद चौक को नई पहचान मिली है। इस चौक पर सेना के पराक्रम और शौर्य के प्रतीक टैंक को स्थापित किया गया है जो लगभग 45 टन वजन का है। ऊना होशियारपुर नेशनल हाईवे 503A पर पड़ने वाले घालवाल के रुद्रानंद चौक पर टैंक स्थापित होने से आकर्षण बढ़ गया है। साथ ही डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की हरोली के विकास मॉडल की झलक भी दिख रही है। IGMC शिमला में आज से जीवनदायिनी एम्बुलेंस की शुरुआत हो गई है। अब इमरजेंसी में मरीजों को इस एम्बुलेंस में PGH चंडीगढ़ रेफर किया जाएगा। 1 साल तक बंद पड़ी सुविधा से अब हजारों पेशेंट को भारी भरकम किराए से राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की हर विधानसभा में एक एक अस्पताल मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और मरीजों को किसी दूसरे बड़े अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। ये अस्पताल इससे बड़े अस्पतालों में लगने वाले मरीजों की भीड़ को भी कम करने में सहायक सिद्ध होंगे। हिमाचल के मंडी स्थित सराज के लंबाथच में पुलिस ने एक बैगनार कार से 10 पेटी संतरा ब्रांड देसी शराब पकड़ी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार व शराब को अपने कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में बेरोजगार युवाओं के लिए 150 सिक्योरिटी गार्ड के पदों की भर्ती निकाली गई है। जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी रेकांगपीओ सीमा गुप्ता ने बताया कि भर्ती SIS इंडिया लिमिटेड बिलासपुर द्वारा की जा रही है। सिक्योरिटी गार्ड के पदों की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास अनिवार्य है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पंचायतों में लगे पेवर ब्लॉकों के रैंडम सैंपल लेकर जांच की जाएगी। गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला स्तर पर स्थानीय निर्माताओं से भी भविष्य में खरीद की जाएगी। इसके लिए ISI से प्रमाणित कंपनियों को जिला उपायुक्तों के पास पंजीकरण करवाना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य स्टीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।